नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, नसरुद्दीन शाह अनुपम खेर की फिल्म ए वेडनेसडे आपने जरूर ही देखी होगी। अच्छी फिल्म थी ये, लेकिन अब कहानी ए वेडनेसडे से निकल करके थर्सडे पर पहुंच चुकी है और एक नई फिल्म बनने जा रही है जिसका नाम रखा गया है ए थर्सडे। दोस्तों, रोनी स्क्रूवाला और जो उनकी कंपनी है RSVP, इसने ए वेडनेसडे का निर्माण किया था और ए थर्सडे का भी निर्माण यही कंपनी कर रही है। ए थर्सडे एक थ्रिलर फिल्म होने वाली है और इसके राइटर डायरेक्टर हैं बेहजाद खंबाटा। ये फिल्म डायरेक्ट OTT पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में मुख्य किरदार है यामी गौतम का, और ख़ास बात यह है कि यामी गौतम पहली बार एक निगेटिव किरदार में दिखेंगी। यामी गौतम एक स्कूल टीचर की भूमिका निभाने वाली हैं। इस स्कूल टीचर का नाम है नैना जायसवाल, जो कि अपनी परिस्थितियों से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है और सिस्टम को लेकर भी उनके पास कई शिकायतें हैं। और एक थर्सडे के दिन ये नैना 16 बच्चों को बंधक बना लेती है और इसी घटना के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी होने वाली है। दोस्तों, यहाँ यामी गौतम के साथ ही आपको नेहा धूपिया, डिंपल कपाड़िया, अतुल कुलकर्णी और माया सराव जैसे कलाकार भी देखने को मिलेंगे। गिनी वेट सनी जो फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स पे, उसमें आपने यामी गौतम को देखा था, तो ये यामी गौतम की दूसरी फिल्म होने वाली है जो OTT पर रिलीज होने वाली है। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग अब शुरू कर दी गई है। यामी गौतम ने इसकी शूटिंग शुरू कर दी है, नेहा धूपिया भी हैं। दोस्तों, ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि ए थर्सडे हमारे सामने कुछ महीनों में आ सकती है, लेकिन इसकी रिलीजिंग कब होगी या फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी रिलीज होने वाली है, इसको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा कोई क्लियरिटी नहीं है। तो दोस्तों, आज यही एक छोटी सी अपडेट थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। इस फिल्म के बारे में और भी कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर तो करूंगा ही। तब तक आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।